नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। बिहार में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है अभी। जैसा कि आप जानते हैं, कल नीतीश कुमार अचानक इस्तीफा दे दिया और आज महागठबंधन का बिहार में सरकार बना दिया। इस मुद्दे पे यहाँ के आम जनता से राय लेना चाहते हैं। अभी मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो लोग हैं रोड पे चल रहे थे, इनको रोक कर मैं इनसे राय लेना चाहता हूँ कि क्या NDA की सरकार सही था या महागठबंधन का सरकार सही होने वाला है। आपको क्या लगता है, NDA का सरकार सही था या महागठबंधन का सरकार सही होगा? मुझे लगता है बस नीतीश कुमार सही हैं। नीतीश कुमार बिहार की भलाई के लिए, बिहार के हित के लिए जो भी कदम उठाएंगे, बिहार की जनता तहे दिल से उसका खैर मकदम करेगी। बिहार की जनता ने देखा है नीतीश कुमार को, किस तरह से बिहार को नए विकास की गाथा बिहार के लिए लिखी है उन्होंने। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार सही होंगे, डिपेंड तो ये भी करता है कि पार्टी कौन सा है, गठबंधन। नीतीश कुमार इंजन है, अगर इंजन सही रहेगा, गाड़ी का अगला पहिया सही रहेगा तो पीछे सब कुछ सही चलेगा। नीतीश कुमार में वो ताकत है सक्षम प्रशासन देने की। नीतीश कुमार एक दूरदृष्टा नेता है। नीतीश कुमार, मैं शुरू से नीतीश कुमार का इसलिए समर्थन करता हूँ कि वो सबसे बहुत बड़ी बात है कि वो न्यायप्रिय हैं। नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के हैं। नीतीश कुमार का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कभी इस पार्टी इसके साथ गठबंधन करें NDA के साथ, तो कभी महागठबंधन के साथ कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बिहार की भलाई के लिए, बिहार की छवि के लिए अपनी छवि को दांव पे लगाते हैं। बिहार का उत्थान कैसे हो, बिहार की विकास, बिहार का विकास गाथा कैसे लिखा जाए, इसके लिए नीतीश कुमार ने ये परवाह नहीं किया लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए नीतीश कुमार ने अपने छवि को दांव पे लगाया है। लेकिन समय की जो मांग है, आपने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए बात करते हैं, तो कुछ साल पहले वो बोले थे कि कुछ भी मिट्टी में मिल जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी के साथ गए। और कुछ महीने की बात ही पहले की बात करते हैं, जब विधानसभा में थे तो वो बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा RJD के साथ नहीं जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार इन सब बातों को कहकर देखना चाह रहे थे कौन किस मिजाज का है। नीतीश कुमार ने तय कर रखा है कि हमें विकास, बिहार के विकास के लिए, बिहार की भलाई के लिए क्या करना है। जो भी आवश्यक होगा नीतीश कुमार बिल्कुल करेंगे, और नीतीश कुमार ने जो भी किया है वो बिहार के लिए अच्छा किया है। बहुत जगह हमने राय लिया, हमारी टीम ने राय लिया, तो लोगों का कहना है RJD गुंडों का सरकार है, उनके साथ जाके गलत किया है। कुछ लोगों का कहना है कि चाचा भतीजा मिलकर काम करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गुंडों की सरकार RJD नहीं है, क्योंकि RJD की सरकार है नहीं, अभी तक थी नहीं। बिहार में पिछले कई वर्षों से, एक दशक से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार मुखिया हैं सरकार के। और जहां तक प्रशासन देने की सवाल है, पिछले सरकार में क्या हुआ उसके बारे में सब लोगों को पता है। नीतीश कुमार आने के बाद हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। आज मीठापुर कृषि फार्म एरिया को विश्वविद्यालय एरिया बनाया है उन्होंने। आज लड़कियां रात की 11 बजे वहां बेखौफ घूमती हैं। क्या अब भी घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी। नीतीश कुमार को हमने टेस्ट किया है, वह एकदम लिटमस टेस्ट पे खड़े उतरे हैं, और वो जो भी काम कर रहे हैं वो बिहार की भलाई के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण का नारा दिया है, शराबबंदी का नारा दिया है उन्होंने, महिलाओं और लड़कियों के विकास, लड़कियों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप जो दिया है। नीतीश कुमार ने वैकेंसी जो आई है उसके लिए जो प्रयास किया है, जो उसमें नया नियुक्ति, जैसे BPSC के द्वारा जो है दरोगा भर्ती है, सिपाही भर्ती है, ब्लॉक स्तर पे जो काम हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। मतलब आपका कहना है कि कुछ भी हो नीतीश कुमार बेस्ट है? नीतीश कुमार देख, कुछ भी हो नहीं, नीतीश कुमार ने वो दिखा दिया है। आज इतना बड़ा पटना का क्या हाल था ट्रैफिक का, आज एक रोड सही नहीं था। नीतीश कुमार आए, आज मोटरसाइकिल ले घूमिए पूरे पटना, मजा आएगा टहलने में। कोई रोड था क्या? बिजली जो है, आप सड़क पे बिजली दिख रही है। फाइनल राय क्या है? मेरा फाइनल राय क्या है, हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं। मतलब जो किया है सही किया है। एक बात और है, हम बीजेपी को तो हम तहे दिल से हम मानते हैं, वो पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है बीजेपी। सेंटर में उस पार्टी ने आकर देश का मान बढ़ाया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ते जा रहा दिन पर दिन। महंगाई कब कमा था? महंगाई कब कांग्रेस के राज में महंगाई क्या कम गया था क्या? 1947 के बाद से महंगाई किस दशक में कमा था? किस पंचवर्षीय योजना में महंगाई कम हुई थी, कोई बताए हमें? कब बेरोजगारी दर जो है कम गया था, बेरोजगारों की संख्या कब कम हुई थी? लोगों का कहना है कि जब से नीतीश ये PM आए हैं मोदी, पूरा दुनिया जो है एकदम बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 से पहले इतनी महंगाई नहीं बढ़ी थी जितना चरम सीमा पे आज महंगाई है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल,
पेट्रोल और डीजल पे एक महीना में कम से कम 30 बार पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़ता है। यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 2014 से पहले कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। क्या अच्छा काम कर रहे हैं, शायद कर रहे होंगे, तो बताइए कुछ एक अच्छा काम क्यों हो। आप कहेंगे कि 370 धारा थे तो 370 धारा तो हटा, तो 370 धारा आते कितने लोग खुश है। फिर आप कहेंगे नाम राम अयोध्या मंदिर। अच्छा एक चीज बताइए, आप क्या इन दोनों के राय से आप सहमत हैं? राम अयोध्या मंदिर से कितने लोग खुश थे मुझे ये बताइए। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए काम तो हुआ है सर, काम तो हुआ है। हमें चाहिए देखिए, काम तो हुआ है, बीजेपी के सरकार में भी हुआ है और हमारे साथ भी जो था जेडीयू के साथ, तो उसमें भी काम हुआ है। बिहार का बात नहीं कर रहा, देखिए दोनों हम दोनों की बात बता रहे हैं। मुद्दा उठा था, बात यहाँ पे मुद्दा उठा था कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, अचानक कल नीतीश कुमार का इस्तीफा दे दिया और आज ये शपथ ले भी लिए हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बढ़िया है, देखिए सर विकास होगा। अब तक एनडीए के साथ में जो गठबंधन था नहीं विकास हो रहा था, लेकिन आरजेडी के साथ में गठबंधन आया है। लोगों का कहना कि डबल इंजन का सरकार था, विकास अच्छा हो रहा था। डबल इंजन की सरकार तो पहले था तो विकास नहीं हो रहा था, लेकिन अब डबल इंजन की जो सरकार बनेगी ना, एनडीए तो हट गई है, लेकिन अब आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ। एक तेजस्वी यादव जो है, एक युवा चेहरा है, युवाओं को जो बोले थे कि लोगों को रोजगार देंगे तो कहीं ना कहीं से रोजगार लाएंगे। और आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, कि शायद आपको जानकारी नहीं होगा कि वैसे तो बहुत कुछ वादे करते थे मोदी जी, वो तो क्या कर रहे हैं और क्या किए हैं वो नई चीज है, लेकिन अब ये देखना ये है कि विकास किस तरीके से, विकास एकदम से सियर होगा और सियर होगा, आप ये लिख के रख लीजिए जी। आप क्या कहना? आई थिंक आपको लगता है कि मोदी जी के लगता है कि ये सब का बहुत आदमी का मानना होगा कि नीतीश कुमार बनेंगे पीएम और वो देश का विकास करेंगे चाहे जो भी है। तो बिहार अभी पहले बढ़िया से अच्छे से पहले भी कर लें, ठीक है, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत चीज हुआ है, विकास हुआ है, अच्छा बात है, विकास हुआ है, अच्छा बात है, आगे और करें। तो क्या लगता है हम महागठबंधन के साथ जो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है उसमें ज्यादा अच्छा रह पाएगा या एनडीए के साथ था वो ज्यादा अच्छा था? देखिए नीतीश जी सीएम अभी भी बन सकते हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं, काम करें, अच्छा करें, हम लोग उनके साथ हैं और भले ही वो बीजेपी के साथ रहें या आरजेडी के साथ रहें, और जनता को क्या चाहिए, विकास चाहिए। तो नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं अभी और मुख्यमंत्री के दावेदार ही अभी हैं, पीएम की उम्मीद अभी नहीं हुई, मतलब पीएम की उम्मीद नहीं करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए जिस तरह से गुजरात से मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो आज पीएम हो गए, तो सीएम आप जब बात कर रहे हैं भाई साहब बुरा मत मानिएगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास हुआ है, जब बिहार का विकास हुआ है तो भारत का भी विकास होगा और बदलाव होगा, ये तय है। तो नीतीश ऐसा काम कर रहे हैं वैसे ही करें, मैं तो अपेक्षा रखता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ तो बिहार का, तो मतलब कहीं ना कहीं वो पीएम बनने की उम्मीद में ही आज एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में गए हैं फिर? ऐसा कुछ नहीं है, वो असहज महसूस कर रहे थे बीजेपी में, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। श्री नीतीश कुमार एक सशक्त प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, एक बढ़िया उनको चैलेंज दे सकते हैं, एक नया चुनौती पेश कर सकते हैं और सक्षम चुनौती पेश कर सकते हैं। अगर गठबंधन जो है सही तरीके से, सही रणनीति पे, सही समय पे क्लिक करे तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा अगला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आम जनता का राय था कि नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और उनका जो भी डिसीजन है सही डिसीजन है।